हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रेडिंग लैब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेकआउट्स की, रेंज ब्रेकआउट्स की, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट्स की। क्योंकि देखिए, मेरे पास जो भी कमेंट्स आते हैं आपके, उन्हीं में से मैं चूज़ करके वीडियो बना रहा हूँ, और उससे परे कुछ कोई भी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो मेरे पास एक व्यूअर्स है, उनका रिक्वेस्ट आई थी कि रेंज ब्रेकआउट के बारे में बताइए, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। क्योंकि देखिए, वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला तरीका होता है और जिसमें मैक्सिमम आपको लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला तरीका होता है, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड और हाई प्रोबेबिलिटी वाला तरीका होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसी की बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ उस लिंक पर रजिस्टर कर सकते हैं और जीरोधा कस्टमर केयर से आपको फर्दर प्रोसेस के लिए कॉल आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर आपको रेंज ब्रेकआउट सीखना है तो आपको रेंज फॉर्मेशन का वेट करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ है, आपको रेंज को बनने का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही रेंज आपको बनती दिखती है, उसके बाद आपको उस रेंज की ब्रेकआउट का वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, रेंज होती क्या है। देखिए, बहुत सारे तरीके हैं रेंज को ट्रेड करने के, कोई एक तरीका नहीं है कि आप कहें कि हाँ ये वाला रेंज को। देखिए, कई ट्रेडर्स होते हैं जो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं और जो 5 मिनट का जो 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 थोड़े वैसे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा थोड़ा नॉइजी है और बहुत ज़्यादा क्विक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिले। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने का जो एक डीमेरिट है वो ये है कि फॉल्स जो आपके पास ब्रेकआउट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा 5 मिनट की जो रेंज है उसको हम कैसे देखते हैं। देखिए, ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, 9:15 बजे मार्केट खुल जाती है, 9:20, 9:15 से 9:20 की जो कैंडल बनती है दोस्तों, वो बनती है आपकी कैंडल। आपको क्या करना होता है रेंज ब्रेकआउट के लिए, आपको इसका हाई और इसका लो मार्क करना होता है। ऐसे यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन चूज कर सकते हैं और आपको वेट करना है कि इसका लो कब टूटेगा। अब हो सकता है, देखिए, अगर मार्केट इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोमेंटम है तो ये सेकंड कैंडल में तोड़ दे, थर्ड कैंडल में भी तोड़ सकता है, फोर्थ में, कई बार 1 घंटे तक ये इस रेंज के अंदर ही घूमता रहेगा, कई बार पूरा दिन 11-12 बजे तक इस रेंज में घूमता रहेगा, फिर इस रेंज को तोड़ के ऊपर निकलेगा। कई बार होता है कि वो शुरू में, देखिए, जैसे इंडसइंड बैंक ने सेकंड कैंडल में ही रेंज को ब्रेक कर दिया इस रेंज के अंदर से, मतलब इसको हाई को तोड़ दिया, या तो वो हाई को तोड़ दे या लो को तोड़ दे। आप क्या करोगे, जब वो हाई को तोड़ देता है तो आप यहाँ से एक बाय ऑर्डर, बाय का सिग्नल आपके लिए जनरेट हुआ और आपने यहाँ पर लो के नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगाया। और जब ये अगर इसने लो को पहले तोड़ दिया तो आप लो पे शॉर्ट चले जाएंगे और उसके बाद हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। इसको आपने पोजीशन साइजिंग के साथ ज़रूर कंबाइन करना है, जिसमें आप अगर 10 ट्रेड कर रहे हैं तो इक्वल रिस्क के साथ कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक ट्रेड में ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, एक ट्रेड में कम रिस्क ले रहे हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, रेंज ब्रेकआउट में जो महत्वपूर्ण बात जो होती है वो ये होती है कि जो दोस्तों फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं मार्केट में। फॉल्स का मतलब क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट होता है कि ये इस रेंज से बाहर चला गया लेकिन वापस इस रेंज के अंदर ही आ गया। तो जो ट्रेडर्स यहाँ से बाय की पोजीशन इनिशिएट करी तो उनको वो स्टक हो गए, वो यहाँ पे स्ट्रक हो गए और उसने नीचे आके उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ये तो फॉल्स, मतलब ये झूठा ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट आया नहीं, बस ऊपर लेके गए, ट्रेडर्स को ट्रैप किया और नीचे ले आए। तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट से आपको बचना होता है। फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के भी बहुत तरीके होते हैं, वो अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में फोकस हमारा जो लर्निंग का रहेगा वो ब्रेकआउट्स का रहेगा, कि ब्रेकआउट्स पे कैसे, ब्रेकआउट्स को कैसे समझें और ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड करें। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो बहुत नॉइज़ वाला होता है। यहाँ पे ये हो सकता है कि ऊपर जाके नीचे आ जाए, नीचे जाके ऊपर आ जाए, लेकिन जो 10 मिनट का टाइम फ्रेम होगा वो थोड़ा और स्टेबल होता है, वो थोड़ा और स्टेबल होता है। उसकी रेंज प्लॉट करोगे और इसका ब्रेकआउट ढूंढोगे तो आपको वो भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि अगर रेंज ज़्यादा बन जाती है ना तो आपका रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जितना आपका एक, मान लो ये वन रिस्क है, तो इसका जो 1:1 रिस्क यहाँ आता है और 1:1.5 यहाँ आता है, तो आपका जो रिवॉर्ड है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती है। लेकिन इंट्राडे में दोस्तों 1:2 की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छी मानी जाती है। 1:3-4 तो दोस्तों जेम माना जाता है, जैकपॉट टाइप मानी जाती है इंट्राडे में, और 1:6-7 तो फॉर्च्यून है मार्केट में।
और तो 1:2 पे काम करो, 1:2 का, 2:1 पे काम करो, तो वो भी बहुत अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट जो होता है वो फॉल्स ब्रेकआउट कैसे रीड करेंगे वो अलग वीडियो में। सबसे पहले आपको अगर ये समझ में आ रहा है कि ब्रेकआउट क्या चीज़ है, अब देखिए ये ब्रेकआउट इनिशियल रेंज ब्रेकआउट होता है। ऐसे ही क्या होता है कि कोई स्टॉक अगर बहुत तेज़ी से ऊपर गया उसके बाद वो एक रेंज में स्टक हो जाता है, फिर इस रेंज को वो ब्रेकआउट करता है। ये तो थी कि फर्स्ट 5 मिनट का ब्रेकआउट देख रहे हो, फर्स्ट 10 मिनट का ब्रेकआउट देख रहे हो, यहाँ पे आप जो है एक रेंज का ब्रेकआउट देख रहे हो कि एक रेंज फॉर्मेशन हुआ, ये रेंज फॉर्मेशन ब्रेक करके देखिए इस कैंडल पे इंडसइंड बैंक ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये दोस्तों ये एक होता है कि ये रिट्रेसमेंट, जो ये रिट्रेसमेंट ले रहा है और एक ये रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा है, इसको ब्रेकआउट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। ब्रेकआउट में वॉल्यूम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ब्रेकआउट्स में आपको वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा देखनी होती है, वॉल्यूम्स का पूरा दारोमदार आपका वॉल्यूम्स पे होता है। अगर और एक और चीज़, हाई प्रोबेबिलिटी वाले तरीके के लिए आप इसको मार्केट कंडीशन से भी कंबाइन कर सकते हो, कैंडल स्टिक से भी कंबाइन कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर कर सकते हो। और अगर ये सारी चार पांच चीज़ें आप करोगे तो ज़रूर मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप जो है काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। तो दोस्तों ये कुछ रेंज ब्रेकआउट के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि रेंज ब्रेकआउट क्या होता है, कैसे इसको देखते हैं, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट क्या होता है, और फर्स्ट 5 मिनट की रेंज ब्रेकआउट का क्या यूज़ है, वो उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितनी अच्छी होती है, और उसमें लेकिन फॉल्स सिग्नल्स भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। 10 मिनट और 15 मिनट पे अगर आप जाओगे तो यहाँ फॉल्स सिग्नल आपको कम मिलेंगे, लेकिन आपका यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ी मूव जो है वो सुबह सुबह कई बार निकल जाती है। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे जब भी ये एक रेंज में आता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस रेंज को के ऊपर ही हमेशा रहेगा, वो रेंज ब्रेकआउट करके उन अंदर भी आ जाता है, फिर ब्रेकआउट दे देता है, फिर अंदर आ जाता है। जिस दिन मार्केट चौपी रहेगी उस दिन ये होगा ही होगा, चौपी मार्केट से कोई नहीं बचा। लेकिन आप ये इनिशियली कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आज ये जैसा इसने ये पैटर्न बनाया कि ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ये देखिए एक दिन पहले भी ये पैटर्न बना सकता था। तो यहाँ प्रिडिक्ट कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है, कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जो बिल्कुल श्योरिटी से प्रिडिक्ट कर सके कि आज ये स्ट्रांग ट्रेंड में रहेगा और 3 to 4% 5% जूम करेगा, ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है। तो आप जैसे जैसे मार्केट में काम करोगे ब्रेकआउट्स पे ही, अगर आप सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडर बनना चाहते हो तो सिर्फ ब्रेकआउट्स पे ही मास्टरी करो, ब्रेकआउट्स पे ही मास्टरी करो, और ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक्स को ढूंढने की जो अपनी स्ट्रेटजी है उसको बहुत शार्प करो। काफ़ी सारे स्क्रीनर्स हैं इंट्राडे के जो चार्टिंग पे बनते हैं, और मैंने भी बना रखे हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा एक एक करके। और ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट का भी होता है, इसके बाद NR7 होता है, नैरो रेंज ब्रेकआउट होती है कि नैरो कोई स्टॉक बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज में जब स्टक हो जाता है तो उसकी प्रॉबेबिलिटी एक बहुत बड़ी मूव देने की बढ़ जाती है। ये आपको देखना होता है कि वो किस तरफ जो है रेंज ब्रेकआउट कर सकता है। तो ये दोस्तों कुछ बातें और कुछ जो वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं मैंने ब्रेकआउट के बारे में आपसे शेयर किए हैं। आशा करता हूँ ये ब्रेकआउट्स आपको समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में ताकि उनको भी इस फ्री चैनल के माध्यम से सीखने का मौका मिले। थैंक यू दोस्तों।